तो आज उसका हम लोग रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों तक आप अपने एन सी आर टी बुक को ले सकते हैं उसमें एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री डिविजन ऑलग्री आज इस चैप्टर में हम लोग लास्ट डे हैं इसके बाद हम लोग नया चैप्टर में चले जाएंगे इसका ऑलमोस्ट सारा पार्ट हो गया है अभी थोड़े थोड़े से पार्ट बाकी है जैसे कि क्वेश्चन नंबर फोर और अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमल्स इन डिवीजन आलगोरिदम ये दो टॉपिक बाकी हैं हालांकि इसमें दो टॉपिक के सिर्फ दो ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं लेकिन ये एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है दोनों ही अपने आप में बड़ा टॉपिक है तो सबसे पहले मैं डिवीजन ऑलग्रिदम आप लोग इस डिस्कस कर रहा हूँ देन हम लोग डिग्री ऑफ डिग्री डिवीजन ऑलग्रिदम ये क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें आता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो डिवीजन ऑलग्रिदम इसका मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हो जैसे कि डिविडन डिवाइजर टू कोशंट प्लस रिमाइंडर ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो एकदम जूनियर क्लास से जब से आप डिवीजन आपने स्टार्ट किया होगा फाइव सिक्स में तब से आप लोग ये डिवीजन ये ये आप जानते होंगे ना इक्वल्स डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो ये आप कोई भी छोटा सा डिवीजन लेके एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो जैसे कि मान लो मैं एक छोटा सा डिवीजन लेता हूँ फोर्टी सिक्स इसे डिवाइड करते हैं थ्री वन जो थ्री ठीक है माइनस करने पर one, और six, three five's fifteen. हमें one है, हमें मिल रहा तो यहां पे अगर हम डिविडेंड देखें मतलब हमने किसे डिवाइड किया वो फोर्टी सिक्स है ठीक है अच्छा अब अगर हम इसके राइट साइड में ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था डिविजन ऑलग्रिदम जो है इस डिवीजन ऑलगरिदम का ये लेफ्ट हैंड साइड था डिविडेंड अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं राइट हैंड साइड मतलब डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर इसमें हम वैल्यू डालते हैं डिवाइजर मतलब हमने किससे डिवाइड किया हमने थ्री से डिवाइड किया तो यहाँ थ्री लगाओ डिवाइड करने पर क्या कोशेंट निकला कोशेंट हम इसे बोलते हैं 15 तो 15 कोशेंट आया डिवाइड में रिमाइंडर हमें क्या तो हमें मिला तो रिमाइंडर हमें वन मिला तो प्लस रिमाइंडर अब इसको हम सॉल्व करते हैं 3 15 45 एंड प्लस वन। तो हमें 46 मिला तो देखो डिविडेंड और जो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वो सेम आया मतलब यहाँ पे जो डिविशन ऑलगरिदम है वो वेरीफाई हो गया तो ये तो डिविशन ऑलगोरिदम था लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो है डिविशन ऑलगोरिदम इन पॉलिनोम डिविशन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स जिसमें हम डिविडेंड को डिविडेंड को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइजर जी एक्स उसके बाद कोशंट क्यू एक्स रिमाइंडर आर और आर एक्स भी बोलते हैं या फिर सिंपली आर तो अगर मैं ये जो पॉलिनोमियल टर्म्स है इन पॉलिन टर्म्स है डिवीजन ऑलग्रिदम को लिखूं, तो इक्वल्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर हम ऐसा लिखेंगे तो इस डिवीजन ऑलग्रिदम के बेसिस पे ये जो पॉलिन का डिविशन ऑलगेजम के बेसिस में हमारे का पास कुछ सवाल है जैसे कि मान लो एक छोटा सा डिवाइड करते हम चलो पहले ठीक है फिर हम उसके बेसिस में हम अलग अलग सवाल करेंगे फिर आप कंसेप्ट को डीपली समझ भी जाओगे तो मैं एक रैंडमली एक पॉलिनोमल लेता हूँ सपोज मान लो पी एक्स एक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल ले लेता हूँ ऐसे और जो जी एक्स है ठीक ले है और फिर हम डिवाइड करते हैं डिवीजन मतलब हम डिवाइड करके देखते हैं क्या क्वेश्चन और क्या रिमाइंडर आता है फिर हम उस पर अलग अलग टाइप के सवाल बनाएं, बनाएंगे खुद से बना लेंगे हम सवाल जो कि डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड होगा जैसे कि पहले हम डिवाइड करते हैं तो एक बार आपका डिवीजन भी रिवाइज हो जाएगा तो डिवीजन का रूल सब लोगों को याद है कि हम पहले देखते हैं कि इस x 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो सेम टू सेम आ जाए ये तो था रूल है ना तो x तो x x x2 उसके बाद x को इस -3 के साथ भी आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा -3x ठीक थी है तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं हमने क्या मल्टीप्लाई किया हमने x मल्टीप्लाई किया उसे आप यहाँ ऊपर लिखो आउटकम जो आया x2 3x उसको आप नीचे लिखो x2 3x ठीक है अच्छा अब माइनस करने पर आपको <coughs> मतलब पहले आप साइन चेंज करो जो भी उनके एग्जिस्टिंग साइन थे उनको आप बदल दो पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दो निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो ठीक है ये तो आप जानते ही हो हमेशा डिविशन में आप जब डिवाइड करते हो तो आप सब्रैक करते हो तो ये सब के लिए ही साइन को बदला जाता है उससे ये जो एक्स स्क्वायर है वो कैंसल्ड हो जाएगा और ये थ्री एक्स भी कैंसल्ड हो जाएगा क्योंकि ये थ्री एक्स निगेटिव है और नीचे वाला थ्री एक्स अभी पॉजिटिव हो गया है तो इसलिए ये भी कट जाएगा हमारे पास बचेगा सिर्फ फाइव ओके okay. अच्छा फाइव का जो डिग्री है

क्वेश्चेंट और रिमाइंडर भी मिल गया क्वेश्चनट हमें मिला है x ये हमारा क्वेश्चनट है ठीक है तो क्वेश्चनट हमें मिला है x और रिमाइंडर हमें क्या मिला 5 ये सारा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिला इस डिवाइड को करने के बाद मिला अच्छा अभी इस पे बेस्ड सम्स क्या आते हैं जैसे कि मान लो आपको सवाल ऐसे देगा कि इफ px आप जानते हो ठीक है पी एक्स आप जानते हो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव और आपको क्यू एक्स भी दे देगा बोलेगा क्यू एक्स क्वेश्चन हम मैं सारा डाटा इसी सम का ले रहा हूँ मैं इसी सम का डाटा लेके आपको अलग अलग एंगल से क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा और उसका सोल्यूशन आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपके पास x है रिमाइंडर जो है वो फाइव है सवाल है अगर ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास है

तो इसे आप एक लीनियर इक्वेशन की तरह डील करो आपको जो निकालना है उसे आइसोलेट करो तो सबसे पहले हमें me, हाँ जी बोलिए सर लाइक जो रिमाइंडर है आर उसके आगे एक्स नहीं लगेगा क्या अब रिमाइंडर को आर या फिर आर एक्स दोनों लिख सकते हो आर एक्स okay. या फिर आर दोनों ही वैलिड है ठीक है तो आप आर लिखो या आर एक्स लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं कहीं पर आपको दिखेगा मैंने आर एक्स लिखा होगा कहीं पर मैंने सिर्फ आर लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है आप डिवाइन कर लेना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो चलो आर एक्स ही लिखते हैं आपने जैसे बोला ओके okay, चलो अब हम इस सम को कैसे करेंगे देखो अभी आपको यहाँ जी एक्स निकालना है तो जी एक्स निकालने के लिए पहले आप जी एक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करो जी एक्स को निकालने के लिए वो कैसे होगा आप सारे दूसरे टर्म जो आप इस साइड में जानते हो इस साइड में आप जो जो टर्म्स के वैल्यू आप जानते हो उन सब को आप बारी बारी लेफ्ट साइड में पी एक्स के साथ लेके आओ ताकि राइट साइड में सिर्फ जी एक्स बचे जैसे हम लीनियर इक्वेशन करते हैं ना लीनियर इक्वेशन में अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है तो उसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो हम एक एक करके उधर भेजते हैं जैसे पहले हम कॉन्स्टेंट टर्म को सिर्फ शिफ्ट करते हैं और बाद में कोफिशियंट को शिफ्ट करते हैं तब हमारे पास एक्स का वैल्यू बच जाता है वैसे यहां पर भी हम gx का टर्म निकालने के लिए पहले rx को शिफ्ट करेंगे तो पहले हम rx को शिफ्ट करते हैं उधर लेफ्ट साइड में ठीक है जो कांस्टेंट टर्म होता है वो पहले शिफ्ट किया जाता है और जो कोफिशिएंट टर्म होता है वो बाद में शिफ्ट होता है तो इस तरह से हमने रिमाइंडर को राइट right साइड में शिफ्ट कर दिया अच्छा अब हमारा सवाल gx है आपको हमेशा याद रखना होगा और qx हम जानते हैं तो अब qx को ट्रांसपोज करो अब qx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो qx अगर उस साइड में जाता है तो वो डिवाइड हो जाएगा तो px माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय qx तो ये हमने gx को निकालने का पूरा प्लान तैयार कर लिया ठीक है मतलब आपको जस्ट यहाँ पे इस जो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म किया पी एक्स माइनस रिमेंडर डिवाइडेड बाई क्यू एक्स यहाँ पे वैल्यूज डालने हैं जो भी इनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज है उनको सिम्प्लीफाई करना है सिंप्लीफाई मतलब पॉसिबल कैलकुलेशन जो भी कैलकुलेशन यहाँ बन रहा है वो करना है करने पे जो आउटकम आएगा वही आउटकम जी का वैल्यू होगा तो चलो अब वैल्यू डालते हैं हम वैल्यू सबका जानते हैं

QX का वैल्यू डालते हैं क्यू एक्स कोशंट कोशंट हमारे पास है एक्स उसे हम यहाँ लगा देते हैं equals यहां पे ठीक ठीक है है अब अब इसे अब simplify करो न्यूमिनेटर में मिलेगा एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस फाइव डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एक्स तो यहाँ पे प्लस फाइव और माइनस फाइव कैंसल्ड आउटकम क्या बचा एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स डिड बाई मेहनत वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से जैसे यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखो आप फैक्टराइज कर सकते इसको. अगर हम फैक्टर क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों से एक्स अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर में एक्स बचेगा और थ्री एक्स में थ्री बचेगा Divided by एक्स तो ये बहुत ही आसानी से यही पे सॉल्व हो गया कभी कभी-कभी ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैंने ये खुद से एक सम सम थोड़ा वाला ले लिया था इसलिए ये आसानी से इधर ही सॉल्व हो गया वर्णा क्या होता है कभी कभी हमें इसे खुद से लॉन्ग डिविशन मैथड से डिवाइड करके फिर हमें रिजल्ट को निकालना होता है तो जो भी हो ये एक्स और ये एक्स कट गया हमारे पास बचा एक्स माइनस थ्री ये आ गया डिवाइजर ठीक है तो आप एक बार वेरीफाई कर लो ये देखो हमने यहाँ पर जब डिवाइड किया था एक्स माइनस किया था तो इस तरह से ये सवाल बन गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको सारा चीज पता है अभी मैं फिर से एक सवाल छोटा सा बना देता हूँ आपको जैसे कि मान लो ये सेम सं बनाते हैं कि हमें पीएक्स पता है पीएक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव और हमारे पास इस बार जी एक्स भी है जी एक्स जो ये वाला वैल्यू था क्या था वैल्यू एक्स माइनस थ्री और सपोज रिमाइंडर भी पता है ठीक है रिमाइंडर भी पता रिमाइंडर कितना था फाइव अब हम क्यू एक्स नहीं जानते ठीक है तो फाइंड क्यू एक्स फाइंड क्यू एक्स ये हमारा सवाल है तो फिर से हम डिशन ऑलग्रिदम को कॉपी करते हैं इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर ठीक है अब इसमें हमें निकालना है क्यू एक्स तो हम क्यू एक्स को निकालने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं पहले हम रिमाइंडर को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड में जाते वो माइनस होगा ठीक है राइट right साइड में हमारे पास बचा हुआ है जी एक्स इंटू qx तो हमें gx भी पता है qx हमें निकालना है तो gx को भी हम ट्रांसपोज करते हैं अब gx qx के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में है इसलिए जब gx लेफ्ट साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा ये सब तो आप जानते हो ट्रांसपोज के रूल ही हैं सब है ना तो राइट साइड में हमारे पास क्या बच गया qx अब बस अब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे पी एक्स का जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव और रिमाइंडर है 5, और GX है, uh, X minus 3, ये था ना डिवाइजर हाँ जी और equals to QX. तो अब हम इसे सोल्व करते हैं तो जब हम माइनस करेंगे तो फाइव और फाइव कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्यू एक्स ठीक है अच्छा अब यहाँ पे यहाँ पे ये तो फैक्टराइजेशन से आराम से हो जाता है अगर फैक्टराइजेशन से ये सब ना हो मतलब ये जो ये जो कैलकुलेशन फैक्टराइजेशन से ना हो तो आपको रियल डिवीजन करना पड़ेगा जो डिवाइड आप लोग करते हो तो सेम तरीके से x माइनस थ्री को डिवाइड करना पड़ेगा लेकिन ये फैक्टराइजेशन से हो रहा है तो हम लोग इसे फैक्टराइजेशन से ही करेंगे जैसे एक्स अगर कॉमन लिया तो एक्स माइनस बचेगा नीचे तो एक्स माइनस है ही ये तो ऐसे ही यहाँ पे हो गया अगर ना होता ये तो हम इसे डिवाइड करते ठीक है जो लॉन्ग डिविशन मैथड है वैसे इसको करते उससे हमें मिल जाता तो यहाँ पर देखो हमें सेम क्यू एक्स मिला जो हमने तब निकाला था ठीक है तो ये इसका रिजल्ट है लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन को हम एक और टाइप का बना लेते हैं इस बार मान लो हम रिमाइंडर निकालना चाहते हैं और बाकी सब हमें पता है टी एक्स हमें पता है थ्री एक्स नहीं क्या था हम 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 जानते जानते है, जानते, हैं, हैं, है है, है, हमारे पास X है, but हम नहीं ठीक ये हमारा सवाल है तो अभी फिर से मैं डिवीजन ऑर्ग्रिदम को कॉपी करता हूँ डिवीजन ऑर्ग्रिदम क्या था पी ऑफ एक्स मतलब dividend equals divisor, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अब हम रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो रिमाइंडर को निकालने के लिए रिमाइंडर को ट्रांसपोज नहीं करना रिमाइंडर के साथ जो भी फैक्टर मतलब जो भी टर्म ऐड हो रहा है ये ऐड हो रहा है ना रिमाइंडर के साथ तो आप इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को ही ट्रांसपोज कर दो ठीक है अब इस पूरे प्रोडक्ट का साइन इधर पॉजिटिव है लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट अब लेफ्ट साइड में चला जाता है तो वो सब हो जाएगा मतलब p ऑफ़ x माइनस g ऑफ़ x into q ऑफ़ x उससे मेरे पास राइट साइड में सिर्फ रिमाइंडर ही बचेगा मतलब ये हो गया रिमाइंडर का वैल्यू अब इसमें आप वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो पी एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस नहीं था माइनस था माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव माइनस और क्वेश्चन क्वेश्चन है एक्स ओके okay, ये सारा वैल्यू हमने सब्सट्रीट्यूट किया बस अब सिंप्लीफाई करना सिंप्लीफाई का मीनिंग होता है पॉसिबल कैलकुलेशन जो भी कैलकुलेशन आपको यहाँ दिख रहा है कर डालो बस तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इसको आप सेम रखो अभी इसमें कुछ नहीं करना आपको इसमें कुछ नहीं करना बस अब यहाँ मल्टीप्लाई करो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वाइनस थ्री एक्स ये आउटकम आएगा इक्वल्स टू आर एक्स फिर आप ब्रैकेट ओपन करो ब्रैकेट ओपन करते हैं जैसे ये तो इसके आगे तो प्लस साइन है ये जो पी है इसके आगे यहाँ पे प्लस साइन है तो ये प्लस साइन से जब ब्रैकेट ओपन होता है तो कोई चेंजेस नहीं आता सारे टर्म्स अपने रेस्पेक्टिव साइन के साथ एग्जिस्ट होते हैं और यहाँ दूसरा जो टर्म है इसके आगे यहाँ पे माइनस है माइनस से ब्रैकेट ओपन होने पर सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे ऐसे इस तरह तो इससे कैंसलेशन अप कर लो जैसे ये कैंसिल हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स किस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 5 बच गया तो रिमाइंडर क्या हो गया रिमाइंडर हो गया 5 तो देखो सेम आंसर आया तो इस टाइप के सम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे मैं आपको पहले एनसीईआरटी में यहाँ पे ये यह सम दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर में आ जाओ ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब करोगे by another polynomial GX. इससे, तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक्स माइनस टू और माइनस टू एक्स प्लस फोर है मतलब हमें यहाँ पे पी एक्स पता है जीएक्स हमसे पूछा गया है जीएक्स हमें नहीं पता जीएक्स ही हमारा सवाल है क्वेश्चन मतलब क्यू एक्स वो हमें पता है क्वेश्चन है एक्स माइनस टू ये क्वेश्चन रिमाइंडर रिमाइंडर है दिस दिसपेक्टिवली वर्ड दिया हुआ है तो फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वर्ड सेकेंड वैल्यू तो ये रिमाइंडर है इज रिमाइंडर तो आप रिमाइंडर जानते हो क्वेश्चन जानते हो ठीक है और डिविडेंट जानते हो डिवाइजर नहीं जानते हो तो हम एक बार इस सम को लेते हैं और इस सम को भी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको काफी अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा इस पर तो मैं एन से ये सम ले रहा हूं एन सी आर एक्सरसाइज 2.3 सम नंबर है फोर है क्या? जी क्वेश्चन नंबर फोर तो इसमें हमारे पास पॉलिनोमल है

जी एक्स हमारा सवाल है जी एक्स हम नहीं जानते क्वेश्चन जानते क्वेश्चन है एक्स माइनस टू और रिमाइंडर भी हम जानते हैं रिमाइंडर क्या है रिमाइंडर माइनस टू एक्स प्लस फोर ठीक है -2X +4, -2X +4, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया सवाल है फाइन जी एक्स तो सबसे पहले हम पॉलिनामल जो डिविजन ऑलग्रिदम है उसे लिखते हैं डिविजन ऑलग्रिदम होता है डिडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर यह हमारा सवाल है मतलब डिविशनिदम है अब इसमें पहले हमें जीएक्स को निकालने का प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा वैल्यू अभी नहीं डालना है आपको पहले हम तैयार करते हैं इसका फॉर्मूला बाद में हम वैल्यू डालेंगे तो सबसे पहले ट्रांसपोज होगा जो यहाँ एड हो रहा है जो यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है उससे पहले ट्रांसपोज नहीं किया जाता तो पहले रिमाइंडर को अप लाओ लेफ्ट साइड में ठीक है राइट right साइड में हमारे पास जी एक्स इन क्वेश्चन है ठीक है जब आप मतलब क्लियर हो जाओगे मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक ही साथ रिमाइंडर को भी लेके आ जाना क्यू एक्स को भी लेके आ जाना ठीक है जब आप जान जाओगे कंसेप्ट को तो क्यू एक्स यहाँ पे जबकि प्रोडक्ट के फॉर्म में तो मैं जब उसे यहाँ लाऊंगा तो वो डिविजन में चला जाएगा डेनोमिनेटर में और राइट right साइड में मेरे पास सिर्फ जी एक्स बचेगा अच्छा ये तैयार हो गया फॉर्मूला बस आपको अभी क्या करना है वैल्यूज डालना है इनके जो जो वैल्यूज है जैसे पी एक्स का वैल्यू मैं पहले पुट करता हूँ एक्स क्यूब माइनस रिमाइंडर रिमाइंडर क्या है माइनस टू एक्स प्लस फोर ये रिमाइंडर है डिवाइडेड बाई कोशंट क्वेश्स माइनस टू ये हमने डाल दिया इक्वल्स जी एक्स ठीक है अच्छा उसके बाद यहां पे सिंप्लीफाई करो मतलब पॉसिबल कैलकुलेशन ब्रैकेट ओपन करते न्यूमरेटर में ओके okay, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया देखो ये माइनस से ब्रैकेट ओपन हुआ है इसलिए माइनस माइनस प्लस आ गया और माइनस प्लस माइनस फोर आ गया ठीक है By X अब पे हम like देखते हैं कौन-कौन है, उसको हम आपस में कैलकुलेट करते हैं माइनस टू होगा लास्ट में अच्छा ठीक है सर हाँ होगा ना समझ गए हाँ. सही है तो प्लस एक्स और प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स होगा और प्लस टू और माइनस फोर माइनस टू होगा यही तो आप बोल रहे थे ना यही बोल हाँ तो पिछले सम्स को करते वक्त मैंने बोला था कि कुछ कुछ सम्स बहुत क्रिटिकल होंगे जिसको हमें डिवाइड करके ही जवाब मतलब आंसर मिलेगा डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से नहीं मिलेगा तो यहाँ पर वो समय इसको आप फैक्टराइज करके नहीं निकाल सकते हो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन पीछे जो सम हमने किया था उसमें ये बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा था है ना इधर जो हमने सम्स किए थे इसमें डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया हमने कॉमन लिया और कैंसिल हो गया तो ये तो बहुत आसानी से हो गया था तो इसे हम डिवाइड करते हैं अभी डिवाइड करके इसका आंसर को निकालते हैं ठीक है तो जब डिवाइड करने पर हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वही होगा जी तो हम डिवाइड करते हैं अभी इसको सॉरी <coughs> डिवाइजर x माइनस टू डिविडेंड हमें डिवाइड करना है x cube minus 3X square plus 3X minus 2, इसको तो अब शुरू करते हैं तो हमें देखना होता है कि x माइनस टू में क्या मल्टीप्लाई करने से ये जो फर्स्ट वाला टर्म है x क्यूब ये सेम टू सेम मुझे मिल जाए ठीक है तो क्या मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर तो तो जो भी आपने मल्टीप्लाई आप करने पर आउटकम है उसको आप यहाँ पे लिखो ऑर्डर में मतलब लाइक like चेक करो और उसके साथ साथ लिखो जैसे एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब लिखा थ्री एक्स स्क्वा के साथ मैंने टू एक्स लिखा

फिर से हम देखते हैं x माइनस टू में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें फर्स्ट टर्म सेम टू सेम मिल जाए माइनस एक्स स्क्वायर तो हम यहाँ पर अगर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस मिल जाएगा तो हम यहाँ पर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स इन टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर देखो सेम टू सेम टर्म हमें मिल गया उसके बाद माइनस एक्स को माइनस टू से भी मल्टीप्लाई करो तो प्लस टू एक्स जो भी आपने मल्टीप्लाई किया वो आप यहाँ ऊपर लगा दो और मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है वो आप नीचे लगाओ सो माइनस एक्स एक्स हमेशा जब भी आप लिखोगे ना यहाँ पे तो लाइक like टर्म्स मिला के ही लिखना एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर एक्स के नीचे एक्स ये जरूरी है देन आप साइन चेंज कर दो माइनस है तो प्लस लगाओ और प्लस है तो माइनस लगाओ ठीक है और फिर कैंसल्ड यहाँ भी आप डिफरेंट साइन है सब करो सब करने से आपको यहाँ मिलेगा x और यहाँ मिलेगा माइनस टू ओके अच्छा अब लास्ट टर्म अभी तो पता ही है कितना मल्टीप्लाई करना है क्योंकि देखो ये डिवाइजर और रिमाइंडर सेम है रिमाइंडर नहीं बोलेंगे क्योंकि रिमाइंडर का डिग्री एक्चुअली डिवाइजर से कम होना चाहिए अभी कम नहीं है अभी सेम सेम है सेम डिग्री है तो ये ये रिमाइंडर नहीं है तो हम दोबारा डिवाइड कर सकते हैं अब x माइनस टू में क्या मल्टीप्लाई करने से सेम x माइनस टू आएगा तो वो तो वन है So उपर, हाँ ऊपर वन लगा दो उससे आपको सेम एक्स माइनस टू मिल जाएगा फिर आप साइन चेंज करो और फिर नीचे रिमाइंडर जीरो बता दो तो तो जी वैल्यू है तो आप कंक्लूड कर दो देर फोर देर फोर जी एक्स हमें जो मिला है डिवाइड करने पर वो मिला है एक्स स्क्वाइनस एक्स प्लस वन तो ये हो गया हमारा आंसर ओके okay, तो क्या क्लियर हो गया कंसेप्ट मुझे और सम दिखाने चाहिए बहुत सारे सम्स अभी तक दिखा मेरे पास मतलब बहुत सारे का मतलब जैसे कभी आपको रिमाइंडर निकालना होगा कभी क्वेश्चन कभी डिवाइजर कभी डिविडेंड तो इस टाइप के मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बना के रखे तो उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे क्लियर हो जाएगा मतलब एक एक टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया जैसे पहला सवाल देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर को बोल दिया था करने के लिए okay, वही, वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया लोगों को ठीक है तो यहां पे क्वेश्चन नंबर फोर में ये जैसे gx यहां gx निकालना है ठीक है ये क्वेश्चन नंबर टू भी सेम ही सवाल है इसमें भी जी एक्स निकालना था ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके एनसीआरटी के बुक से लिया हुआ है सेम समय वही जो अभी हमने किया ये वही समय उसके बाद इसमें जी एक्स निकालना ये सेम सम है ये। वन जैसा ही समय उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन निकालने का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको पॉलिनामल बनाना है डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर सब आपको दिया रहेगा आपको सिर्फ पॉलिंडल बनाना पॉलिनामल मतलब डिविडेंट जिसे आप डिवाइड करोगे ठीक है इसमें पीएक्स आपको बनाना है नंबर uh, फाइव बहुत ही इंटरेस्टिंग समय नंबर फाइव देखो कैसा टाइप का सवाल है ऑफ़ क्वाड्रेटिक पॉलिनामल आर थ्री एंड सेवन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द दॉलिनमल इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ठीक है

10x, फिर plus of the zeros. तो, 21? 21, हाँ, तो, तो, तो रिमाइंडर क्या आएगा तो आपको डिवाइजर भी दिया हुआ ये डिवाइजर है ठीक है ये जी एक्स है आपको पी एक्स भी मिल गया जी एक्स भी आपके पास है आप डिवाइड करो डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा आप क्वेश्चन भी मिलेगा बट आपको क्वेश्चन पूछा नहीं है क्वेश्चन से आपको कोई लेना देना नहीं है आप सिर्फ रिमाइंडर देखो क्या आएगा ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना ठीक है ओके एक बार आप लोग सब लोग सेम आईडी के साथ फटाफट ज्वाइन करो जो आईडी आपको दिया है फटाफट से ज्वाइन करो